आपने बुलाया था पिंकी को? बैठाओ इसे। बैठो। हम जानते हैं कि जब तुम परेशान होती हो तो तुम्हें भूख लगती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें घर से बाहर लोग किस नाम से जानते हैं? लावण्या कश्यप के नाम से या राम कश्यप की बेटी के नाम से? आपकी बेटी के नाम से पापा। और हम कौन है? आप ब्राह्मण समाज के प्रमुख हैं। ना भोजन के बीच में पानी नहीं पीते, कितनी बार बताया है? या तो खाने के घंटा पहले लीजिए या बाद में। बिटिया हमें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तो तुम्हें बार बार समझाते हैं। देखो तुम्हें घर भी लाए हैं, खा खा लो। अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा की डोर बच्चों के हाथों में होती है, किंतु हमारे सम्मान का, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे पापा। हमने तो खा खा हमने तो बचपन से लेके अब तक अपने दोनों बच्चों की छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा है, परंतु क्या बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अपने पिता के प्रति? तुम्हारी बहन ने तो कभी अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया, किंतु तुम तो निभा पाओगे ना? जी पापा, हम आपकी मान की रक्षा करेंगे। शाबाश बेटे। ना ना, हमारे कहने पर, एक टुकड़ा मेरे कहने पर खा ले। ठीक है जाओ, अब आराम करो। पिंकी। हमने जो कहा है वो याद रहेगा ना? भूलोगी तो नहीं? हम जो भी कुछ करेंगे सोच समझ कर करेंगे। हम तुम्हारे पिता हैं ना, पर एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करता। पिंकी तू ठीक तो है? क्या कहा पापा ने? पापा ने जो कहा सही कहा। दादी कहाँ है? पता नहीं गुड़िया, दादी को मैं पूरे घर में ढूंढ चुकी हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। हम अभी आते माँ, हमें पता दादी कहाँ गई। कहाँ? आते माँ। पिंकी पता है तुमको कितना मिस कर रहे थे? हाँ हाँ, सब जानते हैं कितना मिस कर रही थी, तभी छोड़ के चली गई ना। एक बार भी नहीं सोचा, पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सॉरी जानू, लेकिन हम क्या करते? पापा ने कहा था परेशान होना तो घर मत आना। अच्छा, मतलब तेरे पापा सब कुछ है ना तेरे लिए, तेरी दादी तो कुछ है नहीं। पता है जान सूख गई थी हमारी। मान भी जाओ ना, अब आप ऐसे ही गुस्सा रहोगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। जानू, अब आप कोई भटूरा थोड़े हो जो मुंह फुला के बैठ जाओगे। मान जाओ ना। लगता है अब ऐसे ही मनाना पड़ेगा। चलिए लावण्या कश्यप, एक बस कर। हम तुम्हारे बाप जितने कठोर नहीं है जो ये सब करवाए तुमसे।
कैसी रही मेरी हसबुंदी? पता है बहुत याद आ रही थी तेरी। मैंने भी बहुत मिस किया दादी आपको। देखो आइंदा ना हमें इसे छोड़कर मत जाना, वरना कह देते अनन्य के पास ऊपर चले जाएंगे। बकवास मत करिए, अभी तो आपको सेंचुरी पूरी करनी है। बहुत जीना है आपको। और ये बताइए आप हमारी स्पेशल जगह पर क्या कर रही हैं? क्यों हम नहीं आ सकते तेरी अनन्या दीदी की बुटीक में? हाँ अच्छा ये बता तेरा अमरीशपुरी बाप क्या कर रहा है, क्या क्या रहा था? हाँ अब बैठिए यहाँ पे, अब सब ठीक होने वाला है दादी। लगता है पापा हमारे दिल की बात समझने लगे। शैतान कब से साधु बन गया? नहीं नहीं सच है, हमारे एक बार कहने पर वो हमें कानपुर से यहाँ ले आए और तो अपने हाथों से खाना खिलाया। हम जो भी कुछ करेंगे सोच समझ कर करेंगे, हम तुम्हारे पिता है ना, और एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं करता। हमें तो लगता है अब वो हमारे बारे में सोचने लगे। अर्जुन जी हम जानते हैं आप हमसे गुस्सा है, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। रख लो, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अर्जुन जी हमने फैसला कर लिया कि हम गगन जी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। और उनका साथ सबके सामने लेकर आएंगे, पर उसके लिए एक आखिरी बार हमें आपकी मदद चाहिए। प्लीज मना मत करिएगा। एक आखिरी बार प्लीज। कस्टमर क्या समझ के रखा है, जब नंबर डायल करोगी मदद मांगोगी मिल जाएगी। और वैसे भी तुम तो बहुत कुछ बोलती हो, लेकिन तुम्हारे पापा के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। और जिन लोगों की आवाज नहीं निकलती ना, उन लोगों की हेल्प करने का मुझे कोई शौक नहीं है। आपको सब इतना आसान लगता है? नहीं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तुम समझती हो। तुम्हें पता है हमारी जिंदगी हमारे हाथ में होती है, और जब वो किसी और के हाथ में होती है ना, तो वो उलझ जाती है जैसे तुम्हारी जिंदगी उलझी हुई है। गगन से तो तुम अपना रिश्ता तोड़ भी दोगी, लेकिन अपने पापा के सामने गलत के खिलाफ आवाज उठाओगी? आई नो, खुद के लिए लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और कभी कभी तो लगता है कि तुम अपने पापा का डर अपना डर छुपाने के लिए यूज करती हो, इसलिए नहीं करनी तुम्हारी मदद। खुद को रेडियो का आरजे समझते हैं क्या? जैसे वो लोग ढेर सारी बकबक करते हैं और गाना चला के चले जाते हैं। वैसे ही आप ज्ञान पिला के कट लिए। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है। नलिनी कुछ नया बोल। अम्मा पता नहीं पिंकी किस हालत में है। पिंकी की शादी बच तो जाएगी ना? तुम अभी भी चाहती हो पिंकी की शादी बचे? हाँ जबकि हम जानते हैं गगन की सच्चाई। हमारा बस चले ना तो आज ही गगन और पिंकी की शादी तुड़वा दे, लेकिन हमारा समाज वो हमारे समाज में वो डिवोर्स हमसे तो ये शब्द भी नहीं बोला जा रहा अम्मा, और हमारे समाज में ऐसी लड़कियों के लिए कोई मान नहीं है। आप तो जानती हैं कितनी मुश्किल से ये रिश्ता हुआ है, बस इसीलिए पीछे हट रहे थे। नलिनी एक बात बता, पिंकी क्या सिर्फ किसी के बीवी बनने के लिए पैदा हुई है? इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व नहीं है? पता है नलिनी, जब तुम्हारे ससुर तुम्हारा रिश्ता राम के लिए जोड़कर आए थे ना, तो उन्होंने क्या कहा था? क्या अम्मा? उन्होंने कहा था बिल्कुल गाय जैसी बहू मिली है, राम के सामने कुछ नहीं बोलेगी। देख नलिनी उनका कहना ना सच मत होने देना। अरे समाज की सोच बदल रही है, और तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो बेटा, अब तुम माँ भी हो, तो अपने बच्चे के लिए खड़ी नहीं होगी? अगर ऐसा हुआ ना तो अनन्या की तरफ पिंकी भी
नहीं अम्मा।